हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज अ मेंटर रोहित सैंगर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिड्यूसिंग मेथड। तो रिड्यूसिंग मेथड है क्या? नाम में ही हमने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। ओके, वो इक्वेशन बहुत सिंपल थे। अब ये देखिए क्वाइट कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिड्यूस करेंगे सिंपलर फॉर्म में। तो मैं सबसे पहली चीज इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन को, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। नाउ बाय रिड्यूसिंग मैथड, करें। अब रिड्यूसिंग मैथड में आपको करना क्या है, आप पहली टर्म को देखिए, यहां पे कॉमन क्या है, वन अपॉन ए, यहां पे भी कॉमन वन अपॉन ए। तो लेट कर लीजिए आप, लेट एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन ए एंड y equals, देखिए 1 upon b, यहां पे 1 upon b कॉमन आ रहा है दोनों में, 1 upon b। Therefore, above equation becomes, ये हो गया 1 upon a, तो इक्वेशन बन गई 3a प्लस सॉरी 3y 3x प्लस 2y equals to 1, और ये बन गया x प्लस 3y equals to 2। ओके, ये इतना इक्वेशन बन गई अपनी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आपको सॉल्व करना आता है, बस रिमेंबर वन थिंग, जो भी आपको वेरिएबल यहां दिए हैं आप वो एज्यूम नहीं कर सकते। आपको a और b दिया था, तो मैंने x और y क्या, सपोज टू यहां x और y होता तो अपन क्या एज्यूम कर लेते, a और b एज्यूम कर लेते। वो वेरिएबल हम कभी भी नहीं लेंगे जो यहां पर देगा। ये किया, सॉल्व करें इसको, इक्वेशन थर्ड नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन फोर्थ। अपन एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। ओके, बाय एलिमिनेशन, मेथड। पहले इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूं कि इक्वेशंस हैं क्या। इक्वेशन है अपने पास 3x प्लस 2y equals to 1 and x plus 3y equals to 2. This is equation 3 and equation 4. आप सबको पता है जब हम इक्वेशन को नाम दे दिया है हमने, अब यहाँ पे जो चीज हम करने वाले हैं, अब यहाँ पे लगाएंगे एलिमिनेशन मैथड। एलिमिनेशन मैथड होने के लिए आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा एलिमिनेशन होती कैसे है, नहीं देखा तो एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा उसमें। मैं यहाँ पे सीधा सॉल्व कर रहा हूँ एलिमिनेशन मैथड को। कॉफिशियंट सेम बनाएंगे हम, एक्स को एलिमिनेट करेंगे तो किसके मल्टीप्लाई कर दूंगा, फोर्थ को। मैं इक्वेशन फोर्थ को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया थ्री से, मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन फोर बाय थ्री। तो ये देखिए थ्री एक्स प्लस थ्री दूजा नाइन वाई इक्वल टू टू। ओके, अच्छा थ्री दूजा सिक्स, थ्री टू सिक्स, तो ये हो गई इक्वेशन। ये पहली वाली इक्वेशन एज इट इज उतार दीजिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करना पता ही आपको कैसे करना, साइन चेंज, कैंसल आउट, नाइन वाई में से टू वाई गए, सेवन वाई इक्वल्स टू, सिक्स में से वन गया फाइव, तो वाई की जो वैल्यू आ गई आपके पास आ गई फाइव बाय सेवन। ओके, फाइव बाय सेवन आ गया। अब इसको आप किसी में भी पुट कर दीजिए, मैं इसको पुट कर रहा हूं पुट इन थर्ड, y की वैल्यू पुट करते हैं फाइव बाय सेवन, पुट इन थर्ड में पुट किया अपन ने। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, थर्ड इक्वेशन थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू वन, पुट करिए y की वैल्यू, इट्स थ्री एक्स प्लस टू इंटू वाई फाइव बाय सेवन इक्वल्स टू वन। सॉल्व किया जाए, 3x equals to 2 5 जा 10, 10 upon 7 है, प्लस का है तो वहां जाके माइनस का एलसीएम लीजिए, 7 बन जा 7, 7 माइनस 10 माइनस 3 बाय 7, और ये इंटू थ्री एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 3 इंटू में, तो ये आएगा डिवाइड में इंटू 7, 3 से 3 माइनस 1 बाय 7। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास माइनस 1 बाय 7, आ गया आपका x।
वन बाय सेवन आ गया। अब आप खुद सोचिए, क्या हम लोग गो को एक्स और वाई दिया था क्वेश्चन में? नहीं, हमें क्या दिया था? ए और बी। सो वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आपने क्या लेट किया था? एक्स को वन अपॉन ए, तो सिंस एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन ए, वैल्यू डाल दीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस वन अपॉन सेवन इक्वल्स टू वन अपॉन ए। ए की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस सेवन, इंटू चल जाएगा। ऐसे ही सिंस वाई इक्वल्स टू वन अपॉन बी, वाई की वैल्यू देखिए आप, फाइव बाय सेवन इक्वल्स टू वन अपॉन बी, तो बी की वैल्यू आ गई सेवन अपॉन फाइव। ये आपके पास आ गया एक्स एंड ए एंड बी आ गया। ओके, अभी ए एंड बी आ गया तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इन वैल्यूज में डाल के। वेरिफिकेशन कैसे करना, मैंने आपको सारी मेथड्स में वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इस मेथड को कहते हैं रिड्यूसिंग मेथड। व्हाई वी आर कॉलिंग इट रिड्यूसिंग मेथड? बिकॉज दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट वी हैव मेक द इक्वेशन सिंपल बाय एज्यूमिंग वन अपॉन ए एंड वन अपॉन बी। वी हैव एज्यूम दैट इक्वेशन इक्वल्स टू वन अपॉन ए इक्वल्स टू एक्स एंड वन अपॉन बी इक्वल्स टू वाई। देन पुट दैट वैल्यू इन द इक्वेशन वन एंड टू रेस्पेक्टिवली। देन वी हैव गॉट द इक्वेशन 3x plus 2y equals to 1 and 3x plus 3y equals to 2. Then you can solve it by any method. Either you can go with the elimination, substitution or cross multiplication. It's your choice. But I must suggest you to go with the elimination method. It's a most effective method and most easy method. सबसे helpful है ये। Solve किया, x और y की value निकाली, आपको पता ये trend तो आपको आता ही अच्छे से बहुत। फिर वापिस से व्हाट यू हैव अज्यूम, आपने वैल्यू को पुट किया, देन यू गॉट दिस। एक और हम एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट और देखते हैं चीजों को। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग मेथड। ये दो इक्वेशंस हैं, सबसे पहले आप देखिए, हम लिख देते हैं पहले हम कौन सी मेथड लगा रहे, बाय रिड्यूसिंग मैथड। ओके, एज्यूम करें, लेट करें। ये देखिए यहां पर क्या है, ए अपॉन रूट टू, यहां पे भी कॉमन क्या है, ए अपॉन रूट टू। तो मैं लेट कर लू एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन रूट टू। ओके, एंड वाई क्या होगा बच्चों, बी अपॉन रूट थ्री। बी अपॉन रूट थ्री कॉमन दिख रहा है, तो इट्स बी अपॉन रूट थ्री। देयरफॉर अबव इक्वेशन बिकम्स, अब ऊपर की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऊपर की इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगा आपका x प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू वन, ये बन जाएगा टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू। ठीक, क्योंकि आपने पूरा एज्यूम किया वाई, तो ये वाई लिखेंगे यहां पे, a बाय टू की जगह आपने x लिखा तो टू इंटू एक्स, इसको आपने दे दिया इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। अब सॉल्व करें इसको बाय एलिमिनेशन मेथड। नाउ ऑन सॉल्विंग 3 and 4 बाय एलिमिनेशन मेथड, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ टीचर। आपको सब चीजें मेंशन करनी है कि क्यों। जो भी आपसे कहता है कि मैथमेटिक्स में लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती, वो आपसे गलत कहता है। वर्ड स्पीक्स, शब्द बोलते हैं और मैथमेटिक्स को एक बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं वो। अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। बाय एलिमिनेशन मेथड करें, इक्वेशन क्या है अपने पास, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू वन एंड टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू, ये है आपकी थ्री एंड फोर। ओके, आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, चलिए इस बार एक्स को एलिमिनेट करते हैं अपन, ठीक है, वाई को नहीं, एक्स को, चलो एक्स को नहीं वाई को करते हैं। तो यहां पे थ्री है, यहां पे वन है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, फोर्थ को मल्टीप्लाई बाय थ्री से कर दू, जैसे थ्री से मल्टीप्लाई करूं, थ्री टू जा सिक्स एक्स प्लस थ्री इंटू वाई थ्री वाई, थ्री टू जा सिक्स, और ये इक्वेशन मल्टीप्लाई वाली थी और ये ऐसे भी सीख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे। करें सॉल्व, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये देखिए सिक्स में से माइनस सिक्स में से वन गया, तो कितना बचा फाइव एक्स, ये कैंसल आउट,
सिक्स में से बन गया। इतनी पसंद भाई एक्स क्यूल कितने आगे बच्चों वन। ओके पुट इन थर्ड। अब हम इसको थर्ड में डालते हैं, देखिएगा थर्ड में डालते हैं तो x प्लस थ्री वाई इक्वल टू वन होता है। एक्स की वैल्यू डाली वन, ठीक वन प्लस थ्री वाई इक्वल टू वन, वो वहां जाके क्या हो जाएगा जीरो, वन प्लस में तो वहां जाके जीरो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास जीरो। बट क्या आपको बुक में एग्जाम क्वेश्चन में x और y दिया था? नहीं, x और y तो आपने क्या किया है एज्यूम किया है, तो वैल्यू पुट करें अपन, ठीक। सिंस हमने क्या लेट किया था, a को लेट किया था, x को लेट किया था आपने a रूट टू, वैल्यू डालिए x की वैल्यू डालिए वन है, वन डाला तो a रूट टू, तो a की वैल्यू आ गई रूट टू। अब मुझे बताइए क्या रूट को आप अच्छा नंबर मानते हैं? तो a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको रूट टू मिल गई है ना, तो ये आपके पास आ गया रूट टू, ए इक्वल्स टू रूट टू। इतनी बात नहीं, अब देखिए ए तो आपके पास आ गया रूट टू, सिंस वाई इक्वल्स टू बी अपॉन रूट थ्री, वैल्यू डालिए वाई की वैल्यू कितनी जीरो, जीरो डाल दीजिए तो बी अपॉन रूट थ्री, तो बी की वैल्यू भी कितनी आ गई जीरो, बी की वैल्यू आ गई आपके पास जीरो। और अब करके देखिए वैल्यू डाल के देखिए वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा, बी जीरो पूरा खत्म, इधर देखिए बी जीरो पूरा खत्म, रूट टू अपॉन रूट टू वन, और वन प्लस जीरो वन हो गया वेरीफाई। तो ये है, इस मेथड को हम कहते हैं रिड्यूसिंग मेथड। आई होप आपने इस वीडियो में समझा कि रिड्यूसिंग मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीबीएसई हमेशा दो टर्म्स में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछती है। तीन चार सालों से रिड्यूसिंग मेथड से क्वेश्चन नहीं आया है, बट आज से तीन चार साल पहले सीबीएसई सीधा सीधा क्वेश्चन करती थी फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वो आपको नहीं बोलेगी रिड्यूसिंग मैथड, वो बोलेगा फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपको देख के पता पड़ेगा कि रिड्यूसिंग मैथड से सॉल्व होगा। एक्सरसाइज 3.5 के में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको रिड्यूसिंग मेथड का, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। इस पूरे चैप्टर की वीडियोस को हमने बहुत सिस्टमैटिकली लिया है क्योंकि ऑर्डर्स बुक में अजीब तरीके से हैं, सिस्टमैटिक नहीं है, दे आर नॉट अप टू डेट, वो अप टू मार्क नहीं है, बट हमने अप टू डेट करके वीडियोस बनाई है। सेपरेटेड मैथड्स की वीडियोज देखी है, नेचर की वीडियो देखी है, यहाँ पे मैंने आपको इक्वेशन का फॉर्मेशन भी सिखाया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे विद अस, थैंक यू।